हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के बिग बॉस के एपिसोड तो धमाकेदार ही था। दो लड़कियों ने बिग बॉस की पूरी तरीके से बैंड बजा दी। ठीक है, बिग बॉस जो अपने कंटेस्टेंट के लिए जो टास्क रखे थे नॉमिनेशन से बचने के लिए टास्क, दो लड़कियों ने पूरी सत्यानाश कर दी। मतलब पूरा जलते हुए आग में पानी डाल दिया, ऐसा हुआ। ठीक है, बिग बॉस ने जो आग लगाई थी उसमें दोनों लड़की दिव्या और मूस मिल के अपनी जोड़ी के हिसाब से मिल के स्ट्रॉन्ग बन के पानी में, सॉरी, आग में पानी डाल दिया। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं हूँ सागरिका, वेलकम टू माय चैनल। सो पहले बात करते हैं जो नॉमिनेशन से बचने के लिए बिग बॉस ने टास्क रखा था अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए, जो है प्रतीक, नेहा एंड शमिता। बिग बॉस चाहते थे कि मूस और दिव्या कैसे भी हो नॉमिनेशन में आ जाए। ओके, अगर मूज और दिव्या आती तो कौन जाता? ऑब्वियसली मूज। 19 साल की लड़की उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी स्ट्रांग अपनी ओपिनियन अभी तक नहीं रख रही थी, लेकिन अब उसने रखा, अब उसने खुद के लिए स्टैंड लिया प्रतीक के अगेंस्ट। ओके, तो चलो आज बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। तो आज पहले ये हुआ कि निशांत और राकेश जो नॉमिनेशन से सेफ थे उनको बिग बॉस ने ये अधिकार दिया कि जो अभी जो टास्क होने वाला है घर में, ठीक है, उसमें आप किन दो सदस्यों को डिसएडवांटेज देना चाहते हो। तो बहुत सारे आर्गुमेंट हुए। राकेश ने ये भी बोल दिया कि लड़कियां थोड़े से कमज़ोर हैं फिजिकली मेंटली लड़कों से। देखो, बींग अ लड़की, बींग ए वुमन, आई एम ऑल्सो गारंटी यू गाइज दैट ऑब्वियसली वुमेन्स आर थोड़ा सा वीक। ओके, मेंस के हिसाब से जो शमिता भी बोल रही थी कि मैरी कॉम भी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेकिन हम लड़कियां फिजिकली हो या फिर मेंटली हो थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से वीक होते हैं लड़कों से, क्योंकि लड़कों की बाजुएं अलग होती है यार। उन लोगों का जो क्या कहते हैं बॉडी का जो स्ट्रक्चर वो अलग है, हम लोगों का अलग है। ऑब्वियसली ये बायोलॉजिकल है, ये इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलता है। ये किसी ने अगर बायोलॉजी पढ़ी है उसको दिमाग में ही आ जाएगा, मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होते हैं बहुत सारे लड़कियाँ मेंटली भी स्ट्रांग होती है, फिजिकली भी स्ट्रांग होती है। जैसे मैरी कॉम है, फिजिकली स्ट्रांग है, ऑब्वियसली मेंटली भी स्ट्रांग होगी। बॉक्सिंग कर रही है, मेंटल तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। हम लड़कियाँ भी बहुत कुछ फेस करते हैं, फैमिली इशूज, जॉब, रिलेशनशिप इशूज, सबसे बड़ा सोसाइटी इशूज, सबको हम सफ़र करते हैं ना। हम भी मेंटली स्ट्रांग हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एक नेशनल टेलीविजन में राकेश ने बोला। राकेश ने बाद में माफ़ी भी मांगा, लेकिन इसी बात को निशांत ने बढ़ा चढ़ा के बोला, सबके सामने बोला। निशांत ये कर सकता था क्योंकि 15 साल की दोस्ती थी राकेश और निशांत के, तो निशांत ये कर सकता था कि बात को घर में ही रखता यार, सबके सामने उछालने की कोई ज़रूरत नहीं था। बाहर आके डिस्कशन दोनों के अंदर हुई था तो ये डिस्कशन दोनों के अंदर ही रहता, लेकिन उसने आके बात को उछाल लिया। क्यों? क्योंकि शमिता को आंखें खोलनी थी कि शमिता को राकेश ने वीक बोल दिया प्रतीक से, कि शमिता फिजिकली वीक है प्रतीक से। ऑब्वियसली है यार, शमिता प्रतीक से ऑब्वियसली वीक है, मेंटली शायद स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि हमने देखा शमिता कितना शांत रह सकती है। जब हाइपर होती है तो हाइपर होती है, लेकिन वो बहुत, क्योंकि वो योगा करती है, शिल्पा शेट्टी की बहन है। शिल्पा शेट्टी, हमने देखा है, योगा का मास्टर है शिल्पा शेट्टी। ठीक है, उनका बॉडी कितना अच्छा है। ओके, वो कितनी स्ट्रांग है। तो अब और शमिता को देख के भी लगता है कि शिल्पा शेट्टी की ही बहन है, क्योंकि वो फिजिकली जो होता है ना, एक शांत, मतलब अपने आप को काम रहना, वो शमिता करती है, हमने देखा है। ठीक है, उसने ये होता है सिर्फ योगा के माध्यम से ही ये हो सकता है। अपने बॉडी के ऊपर क्या कहते हैं, अपने बॉडी को आप कैसे शांत कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, ये है मेरी रैबिट्स जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है वीडियो बनाने में, सो सॉरी, जोक्स अपार्ट। तो ये हुआ डिसएडवांटेज। तो बहुत सारे आर्गू होने के बाद निशांत और राकेश के बीच में प्रतीक और नेहा का नाम आया। ठीक है, राकेश ने दिव्या का नाम भी रखा था, क्योंकि दिव्या सुबह को लो फील कर रही थी। उसने निशांत को बोला भी कि सभी आके डांस कर रहे हो, सभी सबको चेयर अप कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो, मुझे कोई नहीं क्यों कर रहा है, ये वो बहुत कुछ बात हुआ।
तो निशांत ने वो मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि निशांत की दोस्त दिव्या है, दिव्या को वो अपने एक टास्क परफॉर्म करने देना चाहती थी, क्योंकि दिव्या विदाउट कनेक्शन अभी सर्वाइव कर रही थी घर घर में। तो निशांत चाहता था कि एक टास्क में वो दिखाए वो कितनी स्ट्रांग है, वो टास्क परफॉर्म करने देना चाहता था दिव्या को। तो वहाँ पे राकेश का नहीं चला, वो दिव्या का ऑपोजिट वो नहीं चला, प्रतीक और नेहा को ही करना पड़ा निशांत के हिसाब से। निशांत जो चाहता था वैसा ही करना पड़ा, राकेश को भी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। बेबीज यार जाओ मुझे वीडियो बनाने दो। ओके सो उसके बाद सॉरी मेरा ये जो वेयर है ना ये काट देगा मेरा रैबिट, बहुत बहुत ज़्यादा ये लोग बदमाशी करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि टास्क शुरू हो गया, एक ऑटो रिक्शा घर में लाया गया बिग बॉस हाउस में, बिग बॉस OTT का ऑटो रिक्शा। ओके तो वहाँ पे पांच राउंड हुए, पांच राउंड में तीन जने सेव होंगे और दो अनसेव होंगे, ठीक है, क्योंकि डिसएडवांटेज प्रतीक और नेहा को मिल चुका था। तो प्रतीक और नेहा डिसएडवांटेज जोन में बैठ चुके थे और ऑटो के अंदर थे शमिता, मूज एंड दिव्या। और मूज और दिव्या ने यहाँ पे अपनी दोस्ती दिखाई, उन दोनों ने अपना मैचअप किया, वो दोनों ने शमिता को बाहर निकाला और नेहा और प्रतीक को लगी चुकी थी वनक कि दिव्या और मूज एक साथ हो चुके हैं, जो भी जाएगा वो ही बाहर निकलेगा, ये दोनों तो कभी नहीं निकलेंगे। तब प्रतीक ने बहुत कोशिश की ऑटो के अंदर बैठ के, जब उसका टर्न आया, ठीक है, मूज को कन्विंस करने की, मूज देखो कौन तुम्हारा दोस्त है कौन तुम्हारा दोस्त नहीं है, ठीक है, जब टास होने की बारी आई तभी वो तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, वरना तुम्हारे साथ बात तो नहीं कर रहा है, ये वो बहुत कुछ बोला। लेकिन मूज तो बोली कि तुम ये टास्क शुरू होने से पहले तुम तो मेरे से आके बात कर सकते थे, तुम तो नेहा के साथ चिपकी पड़ी हो, ये हो वो हो। देखो एक बात है कि मूज प्रतीक को पसंद करती थी, क्योंकि फर्स्ट जो डे था ना, फर्स्ट डे पे मूज और प्रतीक की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। निशांत के अलावा प्रतीक के साथ मूज के सबसे पहले बॉन्डिंग बन चुकी थी। ओके लेकिन प्रतीक तो हर जगह पे उसको जाके चढ़ना है, यहाँ पे कनेक्शन तोड़ना है, यहाँ पे कनेक्शन जोड़ना है, जहाँ पे उसको हाईलाइट मिलेगा वहाँ पे वो कनेक्शन बनाएगी। उसने तो मूज को कभी प्रायोरिटी दिया ही नहीं, उसके प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा नेहा नेहा नेहा। ओके उसके प्रायोरिटी लिस्ट में, प्रतीक के प्रायोरिटी लिस्ट में कभी अक्षरा भी नहीं थी। अक्षरा को लेकर जब बात होता था वीकेंड के बारे में, तब तक प्रतीक अक्षरा के साथ था। जब वीकेंड के बारे में अक्षरा को लेकर बात होना बंद हो गया, नेगेटिविटी फैल गई करण जौहर की वजह से, जीशान और अक्षरा में जो बखेड़ा हुआ था उसके वजह से अक्षरा थोड़ी सी नेगेटिव दिखी, उसके बाद उसने कनेक्शन तोड़ दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, दिव्या और मूज ने मिल के शमिता को निकाल दिया, उसके बाद प्रतीक अंदर आई, प्रतीक को फिर से बाहर निकाला, नेहा फिर से अंदर गई, शमिता फिर से अंदर गई, सभी बाहर आ रहे थे। और शमिता जो कभी भी दिव्या से बात नहीं करती थी, वो जाके दिव्या को ऑर्डर कर रही है, बॉसी बन रही है, वो दिव्या को जाके बोल रही है ठीक है अब देखो अब हम उसको निकालेंगे, ओके उसके बाद मैं तुम्हें सिक्योरिटी देती हूँ, मैं तुम्हें फिर से बुलाऊँगी रिक्शा के अंदर। दिव्या तक बोल रही थी तुम मुझे बुलाओगे, सिक्योरिटी देते हो तुम मुझे, तब मैं उसको निकाल सकती हूँ, वरना नहीं निकाल सकती। प्रतीक इधर कन्विंस करने को लगा है मुझको दिव्या को निकालो, दिव्या को निकालो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी देती हूँ, मैं तुम्हें प्रायोरिटी दूंगी, शमिता को नहीं बुलाऊंगी, मैं तुम और नेहा तीनों सेव हो जाएंगे, या फिर मैं तुम और शमिता तीन लोग सेव हो जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे दिव्या को भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी एंड मूज की भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि प्रतीक और शमिता उन लोगों को ही वापस बुलाएंगे, ठीक है। तो उन दोनों ने चीट नहीं किया, उन दोनों ने फ्लिप नहीं मारा, वो दोनों ने आके बात किया कि किसने प्रतीक और शमिता ने किससे क्या बातें की। तो वो दोनों एकदम अपने बात पे कायम रहे कि हम लोग नहीं हटेंगे, जो भी आएगा वो निकलेगा, आपसी सहमति हमारी होगी, बहुमत हमारा होगा, हम दोनों स्ट्रांग हैं, वो निकलेंगे, वो अकेली होगी। बिग बॉस ने ये गेम खेला था कि प्रतीक शमिता और नेहा, ठीक है, ये तीनों अंदर रह जाए और मूज और दिव्या बाहर रह जाए, तीनों लोग में बहुमत हो जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा तीनों, अगर मूज भी आ जाती एक दो राउंड के लिए तो शमिता और प्रतीक या फिर प्रतीक और नेहा कोई मिलकर उनको निकाल देते बहुमत के हिसाब से,
ठीक है, तो ना ही मूज ने जगह छोड़ी ना ही दिव्या ने जगह छोड़ा। वो दोनों जाके पहले ऑटो में बैठ गए और वो दोनों ने डिसाइड करते रहे कौन निकलेगा कौन निकलेगा कौन निकलेगा बहुमत के हिसाब से। तो जब भी लास्ट राउंड हुआ तभी वहाँ पे बैठे हुए थे दिव्या, मूज एंड प्रतीक। प्रतीक निकला, प्रतीक निकल के बोल रहा है नेहा तुम जाओ। ठीक है, वो था फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड होने वाला था, लेकिन नेहा और प्रतीक में शुरू हो गया झगड़ा। नेहा बोल रही नहीं शमिता तुम जाओ, शमिता बोल रही है तुम शमिता पहले राउंड में बोल रही थी तुम जाओ, किसी भी तरह से कन्वेंस करो, मैं देखना चाहती हूँ दिव्या को बाहर निकालो, मूज वहाँ पे रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देखना चाहती हूँ ऑडियंस किसको चूज़ करता है। अब देखिए शमिता जी, आप यहाँ पे आए हैं मिनिमम गारंटी के साथ, मिनिमम वीक की गारंटी लेकर, ओके, अब बिग बॉस के मेहमान हैं, बिग बॉस आपको नहीं निकालेंगे। हम दिव्या के फैन जितने भी दिव्या को सपोर्ट करते हैं ऑडियंस, इस ऑडियंस को सपोर्ट करने से क्या होता है, बिग बॉस का हाउस है, बिग बॉस की मनमर्जी पर ही ये चलेगा गेम, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बिग बॉस फेयर खेलते हैं ना तो नेहा कब की आउट हो चुकी होती, वो जो हुआ था ना नो एलिमिनेशन दिस वीक, उस वीक में भी नेहा आउट हो जाती। ठीक है, अगर इस वीक में नॉमिनेशंस होता है तो आई एम डैम श्योर नेहा निकलेगी, अगर फेयर गेम खेला गया तो। अगर वैसा खेला गया कि कंटेंट देगी नेहा बिग बॉस 15 में, उसको लेके जाना है, उसको फिनाले टिकट देना है, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, तो फिर तो मुस्कान ही निकलेगी, मुस्कान को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुस्कान को इतना कमबोट नहीं मिल रहा है जितना कमबोट नेहा को मिल रहा है। वोटिंग ट्रेंड में नेहा अभी भी सबसे नीचे चल रही है। अब देखते हैं बिग बॉस क्या गेम खेलते हैं, संडे पर पता चलेगा। ओके, अगर बिग बॉस फेयर खेलते हैं ना तो नेहा निकलेगी, और निकलने भी चाहिए यार, बहुत ही ज़्यादा घर में नेगेटिविटी नेहा की वजह से फैल रही है। वो किसी को ना बात करने देती है, वो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, और जो उनके दुश्मन है ना, मतलब दिव्या है, जैसे कि दिव्या को तो वो बात ही नहीं करने देती कभी भी। ठीक है, मैं तुम्हारे तरफ, जब दिव्या लो फील कर रही थी सुबह, तो नेहा जाके नौटंकी करती है कि मैं तुम्हारे, तुम्हें क्या हुआ बताओ, तुम दिव्या हो, दिव्या बन के बाहर आओ, इतना क्यों लो फील करना, छोड़ो ये सब, ये वो बोला, ठीक है, जो भी बोला ठीक है, ये सब जो हम, कोई भी अगर लो फील करता है, वीक फील करता है, हम जाके उसको बताते हैं तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम स्ट्रांग हो, ये वो हो, उसके बाद ये टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत थी, ये मैं तुम्हारी तरफ हाथ बटा रही हूँ, लेकिन ये फ्रेंडशिप का हाथ नहीं है, तुम लो फील कर रहे हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने आई। तो दिव्या को तो वो बात बुरी लगी ऑब्वियसली, दिव्या ने इसलिए नेहा को निकाला और प्रतीक को बुलाया। देखो दिव्या की प्रायोरिटी घर में तो प्रतीक नहीं है, क्योंकि कभी एज ऑफ स्पेस में उसने प्रतीक को भाई बहन बनाया था, पता नहीं उन लोगों के बीच क्या झगड़ा हो गया भाई बहन के अंदर। बहुत कुछ आज सुनने को मिला कि दिव्या के पापा के डेथ के टाइम प्रतीक ने ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज किया, बहुत बाद में मैसेज किया, लेकिन दिव्या तब बोल रही थी मैं क्या बैठी रहूँगी तुम्हारे मैसेज के लिए, मैं तो अपना भाई का फ़ोन मतलब चाहती हूँ ना, उसी टाइम में जब मेरे पास मेरे अपने गुजर गए तब तो मेरा भाई वहाँ पे कॉल कर सकता था मुझे, कैसी हो, मैं आ रही हूँ तुम्हें, जो भी हो, तब प्रतीक ने कॉल नहीं किया, तो अभी आके क्यों नौटंकी कर रही हो। फिर भी दिव्या ने बोला कि नेहा को फोर्थ राउंड में ले लो, फिफ्थ राउंड में प्रतीक तुम अंदर आ जाना, ठीक है, तुम मैं और मुझ से हो जाएंगे। लेकिन प्रतीक को पता नहीं क्या चढ़ा हुआ था, प्रतीक फोर्थ राउंड में अंदर चला गया, क्योंकि शमिता ने डिसाइड किया था प्रतीक जाए। शमिता तब अगर इतना नौटंकी है, इतना तुम्हारा फ्रेंडशिप है, तो शमिता ये कर सकती थी, शमिता आके नेहा को भेज सकती थी फोर्थ राउंड में, नेहा आके प्रतीक को भेज देता, ठीक है, क्योंकि वो कनेक्शन था, कनेक्शन टूट गया तो क्या हुआ, बॉन्डिंग तो है ना, तो जो भी हो। तो फिफ्थ राउंड में ऐसी बहस बहस चल रही थी नेहा और प्रतीक के, तो उसी वक्त उतना भी टाइम नहीं हुआ था, फोर्थ और फिफ्थ बजर बजने से पहले थोड़ा सा ही वक्त हुआ था, बिग बॉस टपक पड़े। बिग बॉस ने बोला आपने बहुत टाइम ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ठीक है, तो हम ये गेम को वहीं पर रद्द करते हैं। जब बिग बॉस से बोल रहे थे ना, नेहा चली भी गई थी रिक्शा के अंदर, जा ही रही थी, तभी बिग बॉस ने बोल दिया एक गेम यहाँ पर रद्द होता है। क्यों भाई, बहुत सारे नॉमिनेशंस में, बहुत सारे टास्क में हमने ये देखा है, बहुत सारे सीजन से आप पहले एक बार इतला करते हो कि बहुत वक्त हो चुका है, आप अपना डिसीजन बताइए, तो फिर इसी टास्क में ऐसा क्या हुआ कि आपने मतलब बोलने की एक मतलब एक मिनट के अंदर अंदर गेम को रद्द करवा दिया, जब आपने देखा नेहा चली जा रही थी बैठने के लिए, तभी आपने गेम रद्द कर दिया, क्यों,
आप तो ऐसा भी कर सकते थे ना कि थोड़े से टाइम और दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी जाके अंदर बैठिए अगर सेव होना है तो, क्योंकि बिग बॉस देख रहे थे कि दिव्या मुझ सेव हो रहे हैं, या फिर यहाँ से नेहा सेव होती या फिर यहाँ समिता सेव होता, नॉमिनेशन में आ जाते या फिर प्रतीक समिता या फिर प्रतीक नेहा, ठीक है अपने ही लोग हैं कि कैसे इनको जाने दिया जा सकता है। टीआरपी खत्म हो जाएगा, कंटेंट खत्म हो जाएगा, घर में हंगामा नहीं होगा, घर में नेगेटिविटी नहीं दिखेगा, तो फिर टीआरपी कैसे बढ़ेगा? ऐसे टीआरपी नहीं बढ़ती है बिग बॉस जी, टीआरपी अच्छे लोगों से भी बढ़ती है, टीआरपी गेम गेम खेलने से बढ़ता है। जैसा आज दिव्या और मूस ने खेला, मूज ने इस बार प्रतीक को छोड़ के अपने लिए स्टैंड लिया। प्रतीक ने बहुत कोशिश किया माइंड वॉश करने की, कौन तुम्हारा फ्रेंड है, कौन टास्क के लिए तुम्हारे साथ बात करने के लिए आता है, दिव्या को निकालो, दिव्या को निकालो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी देती हूँ, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। आई एम डैम श्योर अगर मूज एक बार वहां से निकल जाती ना तो मूज कभी नहीं बैठ पाती। निशांत और प्रतीक का बड़ा बखेड़ा होता, बड़ा झगड़ा होता, तभी भी प्रतीक शमिता और नेहा को बुलाता या फिर मूज को बुला ही लेता, फिर से बाहर निकाल देता उसको, ठीक है। मूज की प्रायोरिटी, प्रतीक की प्रायोरिटी मूज कभी नहीं है, तो फिर मूज से तुम क्यों डिमांड कर रहे हो यार कि तुम मुझे प्रायोरिटी में रखो? क्यों रखेगी वो प्रायोरिटी में? टास्क शुरू होने से पहले एक बार बात तो कर लेती। तुम नेहा के साथ चिपके पड़े हो यहाँ पे, तुम नेहा के हाथ में ड्राइंग बना रही हो, बिग बॉस ने इस बात पे डांट दिया। हाँ और एक बात, अंग्रेजी में, ठीक है शमिता जी ने बहुत बार बहुत अंग्रेजी बोली, आज भी बोली, बिग बॉस ने तब पहली बार टोका, बिग बॉस ओटीटी में पहली बार ये सुनने को मिला, बिग बॉस चाहते हैं घर में अंग्रेजी भाषा की प्रयोग ना की जाए, आपको बार बार बोला जाता है फुसफुसा के बात ना करो, हाथ पे कुछ ना लिखो, अंग्रेजी में बात ना करो, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का, समझ में नहीं आता है क्या? उसके बाद भी अंग्रेजी बोला गया, बहुत बार अंग्रेजी बोला गया तब, और बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला। कितने बार भी बोलेंगे यार बिग बॉस, जो भी हो बिग बॉस ओटीटी में पहली बार अंग्रेजी बोलने के लिए बिग बॉस ने टोका। ओके उसके बाद गेम तो हो गया रद्द, सभी के सभी हो गए नॉमिनेटेड, बिग बॉस को बड़ा सदमा लगा क्योंकि बिग बॉस बचा नहीं पाए, अगर फेयर गेम खेलेंगे तो नेहा बस से निकलेगी यहाँ से, ठीक है जो भी हो। उसके बाद आया राकेश और शमिता के झगड़े, क्यों राकेश दिव्या से बात करती है? ओके बहुत सारा झगड़ा हुआ, राकेश ने चिल्ला के बोल दिया ये इस टॉपिक में बात हो चुकी है, मैं दिव्या से बात नहीं करूँगी, तुम भी चुप कर जाओ। उसके बाद समिता का नौटंकी शुरू होगा, क्यों तुम मुझे धमकी दे रहे हो, क्यों तुम मुझे चिल्ला के बात कर रही हो, क्यों क्यों तुम मुझे ऐसे धमकी दे रहे हो? अरे यार तुम भी तो उसको डोमिनेट कर रही हो ना, तुम भी तो उसको कंट्रोल कर रही हो ना, तो वो तुम्हें धमकी क्यों ना? धमकी तो उसने नहीं दिया राकेश ने, राकेश ने बोला मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, बस थोड़ा सा शाउटिंग कर गया राकेश, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम भी तो शाउट करके बोल रही हो कि मुझे अभी बात करनी है इस बारे में, क्यों तुम दिव्या से बात करती हो? अगर एक ही घर में हो यार, एक ही घर में हो, बाउंड्री के अंदर हो, कितने नेगेटिविटी दिखाओगे तुम लोग? अगर चलते फिरते दिव्या कुछ बात कर लेती है राकेश से तो प्रॉब्लम क्या है? राकेश इतना पॉजिटिव इंसान है, कोई भी उससे बात करेगा यार, कोई भी उससे बात करेगा। और दिव्या आके तब बोल रही है कि मेरी प्रायोरिटी निशांत और राकेश आप दोनों हो, क्योंकि शमिता रो रही थी दिव्या की वजह से, दिव्या से क्यों राकेश बात कर रही है? राकेश ने बोला ठीक है मैं भी दिव्या से बात नहीं करूँगी, तुम भी प्रतीक से बात को बंद करना। उसी बात पे फिर से शमिता और राकेश का हो गया, क्यों तुम मुझे ऐसे कंट्रोल कर सकती हो क्या? मैं प्रतीक से बात करूँगी, तुम दिव्या से नहीं बात करोगी, क्योंकि दिव्या के साथ मेरी नहीं बनती है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं स्टैंड लेते, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेती हूँ। तब राकेश ने बोला, प्रतीक ने मुझे स्पाइनलेस बोला, ये बोला वे बोला, फिर भी तुम मुझसे बात कर रही हो अच्छे से, और मैं दिव्या से बात ना करूँ, क्यों तुम मुझे क्यों कंट्रोल कर रही हो? राकेश का आज बहुत ही अच्छा साइड देखने को मिला, हम चाहते हैं जितने भी वीक बचे हुए हैं राकेश, क्योंकि आप सेफ हो, आप अपने लिए खेलो यार, अपना पर्सनैलिटी दिखाओ, ऐसे कंट्रोल किसी को मत करने दो, अपने आप को ऐसे डोमिनेटेड मत हो, ठीक है? आपका एक पॉजिटिव वाइब्स है वो दिखाओ हमारे हम ऑडियंस को, ताकि और एक जो हफ्ता बचा हुआ है हम आपको फिनाले तक देखें, ठीक है?
हम सपोर्ट करें आपको। ऐसा नहीं है कि तुम तो समिता शेट्टी के वजह से शो में आगे बढ़ रहे हो तो तुमको हम निकालेंगे। ऐसा नहीं है यार, हमें पता है कि आप कितने अच्छे हो, आप जब बोलते हो तो आप करेक्ट बोलते हो। ऐसे डोमिनेटेड मत हो आप, ठीक है? आपके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑब्वियसली है, वो दिखाओ हम लोगों को। जैसे आज देखने को मिला, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक कनेक्शन थे वो थे यार, अब कनेक्शन टूट गए हैं। हाँ, बॉन्डिंग रखो ना। फिर तुम भी प्रतीक से बात मत करो समिता जी, मैं भी दिव्या से बात नहीं करूँगी। तुम प्रतीक से बात कर रहे हो स्पाइनलेस, जिसने तुम्हारे कनेक्शन को बोला था, स्पाइनलेस बोला था, राकेश ने इतना रोया था, तब तुम कहाँ गए थे? तुम प्रतीक से तब भी क्यों बात कर रहे हो? ओके, जो भी हो, समिता जी तो आप टूटी पड़ी हैं क्योंकि राकेश के साथ उसका झगड़ा हो गया। राकेश ने उसको क्यों चिल्ला के बोल दिया, तुम भी प्रतीक से बात नहीं करोगे, राकेश के कैसे उसको कंट्रोल करने लगा ये बोले के। बहुत सारे सिंपथियाँ गेन हो रही है नेहा से, प्रतीक से, सभी से, ठीक है? कोई किसी को भाव नहीं था इतना। नेहा भी शमिता के साथ चिपकी पड़ी है क्योंकि शिल्पा शेट्टी की बहन है, थोड़ा बहुत अगर वोट्स मिल जाए इसी वजह से, क्योंकि उसको भी पता है, नेहा को भी पता है कि मेरा पत्ता कटने वाला है, ठीक है? बहुत मैं बच गई है, अभी मेरा पत्ता भी कटने वाला है उसको, ठीक है? देखो, नेहा अच्छी थी, लेकिन जब से नेहा ने कनेक्शन बदला ना, जब से प्रतीक के साथ आ गया ना, नेहा बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखने लगी। वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना, नेहा अभी बॉसी बन चुकी है। नेहा भी अभी बॉसी बन चुकी है। बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखो और निकालो, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं सुनना। मेरी दोस्त समिता है, मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगी, उसको सिंपैथी दूंगी। दिव्या अगर कुछ बोल रही है तो मैं उसके मुंह पे उसको बदतमीज़ बोलूंगी, उसको कुछ भी बोलूंगी, ताली बजाऊंगी, नाचूंगी। वो कुछ बात कर रहे हो तो मैं लेट जाऊंगी। रूबीना और निकी जब आई थी, दिव्या कुछ बोल रही थी और नेहा जी हमारे वो लेट चुके थे नागिन की तरह नीचे। ये तो इंसल्ट हुआ ना, ये कैसे कह सकते हो आप? तो नेहा की ये सब हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और नेहा ने एक और आज किया था शो के शुरू होने से पहले, शुरू होते ही शमिता और राकेश सोए हुए थे, बीच में गप था, वहाँ पे जाके नेहा लेट गई और नेहा बोल रही है, चार हफ्ते से मेरा हवस मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा हवस। हाँ, तो नेहा जी बोल रही है, चार हफ्ते से मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा हवस बुझाओ, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सोने के बाद, थोड़ा सा नौटंकी करने के बाद, थोड़ा सा मुंह से आवाज़ निकालने के बाद उनका हवस बुझ गया। सच में यार, कितना ज़्यादा ये सेक्सुअलिटी दिखाओगे अपना, प्रतीक के ऊपर आप चढ़ रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो बाहर मेरा पति क्या सोचेगा, मुझे शायद प्लेन लेके अमेरिका ही चले जाना पड़ेगा, मैं शायद इंडिया में नहीं रह पाऊँगी। तो फिर कर क्यों रहे हो ये हरकतें? हाँ, वो आपके बेटे की उम्र की है, आप उसके ऊपर चढ़ी जा रहे हो, गोदी में उठ रहे हो, उसके उसके हाथ में लिख रहे हो फक, हमें दिखाई नहीं था, हम अंधे हैं क्या? कुछ भी, सच में नेहा जी की तो बहुत हो गया, नेहा बशीन का बहुत नौटंकिया भी हो चुका है, ठीक है? उसके बाद शमिता और राकेश का तो मैंने बोला। हाँ, तो दिव्या आई थी शमिता और नेहा से बात करने, शमिता से सली बात करने कि तुम मेरे ऊपर बॉसी नहीं बन सकते। तुम जो आके मुझे बाथरूम में बोल रही थी ना, मुस्कान को निकालो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी देती हूँ, मैं तुम्हें लाऊंगी, तो उस टोन में नहीं। तुम अगर मुझे प्यार से बोलती कि दिव्या जो भी है साइड में रखो, हम गेम खेलते हैं, ठीक है? जो भी है उसको बुला दो, अच्छे शुरुआत करते हैं, फ्रेश शुरुआत करते हैं। शमिता आके डायरेक्ट बोल रही है, मुझको निकालो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी देती हूँ, मैं तुम्हें लाऊंगी, ऐसा नहीं होता। तो दिव्या आके जब बात कर रही थी किचन में, तब नहीं शमिता ने ना ही नेहा ने उसको रिस्पॉन्स किया। वो दोनों अपने आप में बिजी थे खाना बनाने के लिए। दिव्या का दिमाग सटका, दिव्या बहुत देर तक बोल रही थी बात करोगे या फिर बात नहीं करोगे, ठीक है? दिव्या ने तेल का डब्बा लेके उनके खाने के ऊपर दे दिया। मैं बोल रही हूँ, एकदम सही किया, अगर कोई तुम्हें बात कर रहा है कोई तुम्हारे साथ, तो तुम बात करोगे ना, क्योंकि तुमने गलत किया था, तुमने जाके उसको ऑर्डर किया था, मुझको निकालते हैं, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूँ, मैं तुम्हें लाऊंगी, ऐसे ऑर्डर नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तुम फंसे हुए हो। दिव्या और मुझ बन चुके थे स्ट्रॉन्ग, तो तुम्हें दिव्या को वहाँ पे काम पे लगाना था, ठीक है? तुम्हारे माध्यम से मतलब दिव्या को तुम्हें यूज़ करना था, एक तरीके से दिव्या यूज़ होती है यहाँ पे, तुम जाके दिव्या को ऑर्डर कर रही हो। तो बस हो गया। और शमिता तब दिव्या को पलट के आके बोली, जो भी है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ ये वो।
तब दिव्या बोली, अगर बात नहीं करना चाहते हो तो टास में आकर क्यों बात बताती, टास में आकर क्यों बॉसी बन रही थी उस वक्त, ठीक है, जो था एकदम करेक्ट ही था। ठीक है, अब देखते हैं टिकट टू फिनाले के टास आने वाला है, जैसा लाइव फीड में दिखा रहा है। टिकट टू फिनाले में देख रहे हैं हम दिव्या मूस नेहा, टिकट टू फिनाले में, टिकट टू फिनाले नेहा को मिल चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। ओके, लेकिन आज जो नेहा, आज जो मूज और दिव्या ने खेला था ना, बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा खेला वो, मतलब एक मूज ने, अब मूज ने अपने आप के लिए, मूज ने स्टैंड लिया और इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू मूज। अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग, अपने आप के लिए स्टैंड लो, ठीक है, जितने भी और एक हफ्ते बचा हुआ है, अपने आप, अपने आप की पर्सनैलिटी को दिखाओ ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें मूज। ओके, तो आज के एपिसोड इतना ही था, आज के एपिसोड का रिव्यू। और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।